हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। रोहित शर्मा बने भारतीय टीम के ऐतिहासिक कप्तान। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीत के ऐतिहासिक मोमेंट जो कल शाम पूरे जो भारत के जितने भी फैन हैं, हम सब फैन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट जो है रोहित शर्मा ने कल जो इस मुकाबले में जिस तरह की आखिर में गेंदबाजी देखने को मिली और जिस तरह के बल्लेबाज सामने निकल के आए थे, हेनरिक क्लासन और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह उनको आउट किया और पूरा दिन जो है भारतीय टीम के नाम रहा और भारतीय टीम जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। लेकिन मुकाबले के बाद जो है भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विनर रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, यानी वो अब T20 क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेंगे। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही रोहित शर्मा से जुड़ी हुई, रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट दी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया, आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी के बाद T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा ही दूसरे कप्तान है जिन्होंने T20 क्रिकेट में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताया है। बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट है सभी फैंस के लिए और बहुत ही बेहतरीन हम सब फैंस के लिए कि भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का जो दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, जिस दौरान टीम में इरफान पठान जैसे बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन इस समय जो है साल 2024 में जसप्रीत बुमराह जैसे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज जिन्होंने मुकाबले में जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन रोहित शर्मा ने मुकाबले के बाद जो है T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है।